बहने एएनएम हैं, जो अस्पतालों को देखती हैं, नर्सेज हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। आप देखते होंगे बांका की है, उनको बगहा जो है पोस्टिंग मिल गया, बहुत दिक्कत होता है। कई सदस्य जो है कई बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करा दिया जाए, उनको दिक्कत होता है, महिला है कहां जाएंगे। इसके लिए भी उन बहनों के लिए जो है हम लोग एएनएम को लेकर के स्टेट कैडर जो है लाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, डॉक्टरों की भी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग हो जाए, उस पर भी विभाग जो है विचार कर रहा है ताकि उपलब्धता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में आज बताया आपको बिहार के डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बोलने के लिए उठे हैं और स्वास्थ्य मंत्री अपने स्वास्थ्य विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है उसे ठीक करने की कवायद में लगातार लगे रहते हैं। ऐसे में आपको बताया आज तेजस्वी यादव ने डॉक्टर्स को, बिहार के सरकारी डॉक्टर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है और कह दिया है कि सरकारी डॉक्टर्स का जो पोस्टिंग है वह अब उनके गृह जिले में कर दिया जाएगा ताकि जब भी पेशेंट्स को, जब भी मरीजों को डॉक्टर्स की जरूरत पड़े तो वो टाइम पर मौजूद हो। दरअसल कुछ डॉक्टर जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं उनकी पोस्टिंग पटना में कर दी जाती है तो वो पूर्णिया से पटना नहीं आते हैं, ऐसे में मरीजों को देख नहीं पाते हैं और अब मरीजों की इलाज सही समय पर हो, सही ढंग से हो, इसे लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री यानी तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है विधानसभा में। आपको बताएं उन्होंने कह दिया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो अब उनके गृह जिले में की जाएगी, यानी सरकारी डॉक्टर्स की पोस्टिंग गृह जिले में की जाएगी। तो देखिए तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा में किस तरह से डॉक्टर्स को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, विधानसभा की तस्वीरें कैसी और क्या निकलकर सामने आ रही है, आपको छोड़े जाते हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और हम लोगों की कोशिश है, जो बहनें एएनएम हैं, जो अस्पतालों को देखती हैं, नर्सेज हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। आप देखते होंगे बांका की है, उनको बगहा जो है पोस्टिंग मिल गया, बहुत दिक्कत होता है। कई सदस्य जो हैं कई बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करा दिया जाए, उनको दिक्कत होता है, महिला है कहां जाएंगे। इसके लिए भी उन बहनों के लिए जो है हम लोग एएनएम को लेकर के स्टेट कैडर जो है लाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, डॉक्टरों की भी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग हो जाए, उस पर भी विभाग जो है विचार कर रहा है ताकि उपलब्धता हो। कई बार भेज दिया जाता है, लोग जाते नहीं है, दूर होने का हवाला देते हैं, तो ये व्यवस्था होगी तो सारा चीज जो है ठीक रहेगा, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, नर्सेज उपलब्ध रहेंगे। तो इस पे जो है विचार जो है गंभीरता से कर रहे। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि हर जगह हेल्थ मैनेजर होते हैं, संविदा पे होते हैं, कोई कोई लोग जो है 8 साल से 10 साल से 5 साल से एक ही जगह है, उनके लिए भी विभाग जो है स्टेट कैडर जो है लाने का काम कर रही है ताकि सही कोई गलत ना कर पाए, कोई गड़बड़ ना कर पाए। तो ये सोच है सरकार की और इस पे हम लोग सभी लोग जो है काम कर रहे हैं। और एक अनोखा काम हुआ है जो देश में अब तक किसी राज्य ने नहीं किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जहां डॉक्टरों से आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है परामर्श ले सकते हैं, सारी चीजें हैं और ये निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा है, संजीवनी के थ्रू आप जो है ये परामर्श ले सकते हैं। इस पे और भी इसको बेहतर और बढ़ाया जाएगा, उस पे हम लोग सब लोग विभाग के लोग विचार कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं महोदय जो हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं और इन्होंने कई बार डिपार्टमेंट को भी बोला है कि सभी जिलाओं में जो है मेडिकल हॉस्पिटल जो है मेडिकल कॉलेज सा हॉस्पिटल जो है होने चाहिए और कई लोगों की मांग भी रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, अभी जिन जिन मेडिकल को चरणबद्ध तरीके से होगा निधि की उपलब्धता को देखते हुए और निर्णय सरकार लेगी कि कहाँ कहाँ कब कब खोला जाएगा,
लेकिन अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कहां कहां मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है सर अस्पताल का, वो है आपका सिवान, सारण, समस्तीपुर, पूर्णिया, झंझारपुर, जमुई, बक्सर और बेगूसराय। और जो न्यू जो प्रपोजल है जिसकी घोषणा भी की गई है, और उसमें से तीन जिला है सुपौल, गोपालगंज और मुंगेर। तो इन सब जगह जो है प्रक्रिया जो है अंतिम दौर पे है, और जल्दी ही इसकी भी काम को जो है पूरा हम लोग जो है कराने का काम करेंगे।